Welcome everyone. I'm Aniba Tariklutfi. Welcome to Sante's weekly broadcast, Nazaria, the Power of Experience. We talk about experiences versus knowledge with Pakistan's leading ophthalmologists and their practice in treating glaucoma and share that experience and knowledge with our viewers, especially the new ophthalmologists and the junior ophthalmologists. So today, I would like to introduce one of the leading experts in the field of ophthalmology in Pakistan, Professor Dr. Muhammad Rashid Rao Kamar. So he does not really need an introduction, but I will continue with the introduction. He is the head of ophthalmology, director department of medical education and postgraduate training in Nishtar Medical University, Multan. He is also the principal of Sahiwal Medical College, and he is the general secretary OSP Multan. So assalamu alaikum, Professor Rao, how are you and what do you think about Nazaria and experiences? Waalaikum assalam, or it's a pleasure to have you in the meeting and answering your question, especially glaucoma, which is probably a hidden mystery in the world as well as for the ophthalmologist. Aur aapka jo question hai ke how I'm feeling, dekhen jitne bhi duniya mein scientist hote hain, ophthalmologist bhi scientist bhi hota hai. Yes. Agar usko ye kaha jaye कि वो अपना नॉलेज और स्किल शेयर करे तो वो ऐसी है जैसे शायर को कहा जाए कि अपने शायरी में I'm feeling excited at the moment. I'm telling something which I know probably to the people who don't know it or who know something better. उनको भी पता चलेगा तो probably they can correct me later on. लेकिन ये है कि ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा इंशाल्लाह, और इससे एक जो छोटी मोटी ऐसी बातें जो कि हम बात नहीं कर पाते वो लोगों तक पहुँचेंगी, उससे एक जो मेरा फोकस है वो है पेशेंट केयर, उसमें उम्मीद इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, इजाफा होगा. दैट इज ग्रेट. एज यू सेड कि आप एक्साइटेड हैं यहां पे, मैं भी एक्साइटेड हूं, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी एक्साइटेड होंगे टू लर्न मोर फ्रॉम यू एंड आपका जो एक्सपीरियंस है उससे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस. मेरा जो है वो पहला सवाल यही है कि क्योंकि हम ग्लॉकोमा की बात कर रहे हैं और मेजरली ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट ऑफ कोर्स दे ऑलरेडी नो व्हाट इज ग्लॉकोमा. So I'll start from आपको क्या लगता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो glaucoma की डायग्नोसिंग में जो है उनको कंसिडरेशन में लेना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फॉर्मली देखें, पहली बात तो ये है कि glaucoma एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि स्टिल नॉट अंडरस्टैंडेबल. अगर कोई मुझसे पूछे आफ्टर 25 इयर्स ऑफ माय एक्सपीरियंस कि व्हाट इज glaucoma, तो मैं कहूंगा आई डोंट नो व्हाट glaucoma इज. और ये भी हमने कुछ चीज़ों को पकड़कर ऑफ्थल्मोलॉजी में डाला हुआ है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑफ्थल्मोलॉजी के कंट्रोल में नहीं हैं. इसलिए ग्लूकोमा इज एंटिटी विच प्रॉब्ली मल्टी फैक्टोरियल, जिसमें मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व हो सकते हैं. दूसरी बात यह है कि ग्लूकोमा एक जहाँ मिस्ट्री है वहाँ साइलेंट किलर भी है. लोगों ग्लूकोमा बताता ही नहीं है कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ, और सडनली पीपल कम टू नो कि दे हैव ग्लूकोमा एंड दे हैव लॉस्ट और लॉस्ट लॉट ऑफ विजन देयर. और फिर हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि हम पाकिस्तान के अंदर ही, व्हेन आई वाज वर्किंग इन लाहौर, हम इसे काला मोतिया कहते थे. और लोगों के जहन में ये आता है सफेद मोती की टर्म इस्तेमाल करके कि समथिंग विच इज वाइट इन साइड द आई एंड दैट इज टेकन आउट वो ठीक हो जाते हैं. और उनका ख्याल है कि कोई काली सी चीज आंख के अंदर है जो सर्जन निकाल के बाहर फेंक देता है और वो ठीक हो जाते हैं. लेकिन ये बात ठीक नहीं है. वंस यू आर ग्लूकोमा पेशेंट, यू आर ग्लूकोमा पेशेंट फॉर एवर. यू कैन नॉट क्योर द ग्लूकोमा, यू कैन कंट्रोल द ग्लूकोमा लाइक डायबिटीज, लाइक हाइपरटेंशन. आपको ताहयात से जीना पड़ता है. तो ये जो बातें हैं इनको पहले समझने के लिए समझना चाहिए हमें, और फिर हमें ये भी देखना चाहिए. अच्छा, मजे की बात है, अब कराची में बैठी हुई है, तो जब मैं कराची गया, मैंने कराची काम भी किया हुआ है, बहुत से कलीग जो कराची में बैठे हैं उनका अस्सलाम वालेकुम, तो वहाँ शायद समंदर की वजह से इसे काला पानी कहते थे, तो काला मोती से वो काले पानी में बात चली गई. वहाँ कुछ सेंस समझ आती थी कि एक्वस ह्यूमर है, कुछ ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है. अच्छा, लार्जली जब आई केम बैक टू साउथ पंजाब, वहाँ पे हमारे सराइकी बड़ी स्वीट सी लैंग्वेज है, वहाँ इसको कहते नीलवा. मैं कुछ नीलवा थी गए, तुम्हारी आंखें थोड़ी सी सुकड़ी हैं सही बात सुन के. नीलवा स्टैंड फॉर समथिंग ब्लैकिश. ओके.
तो वो भी ब्लैक से इससे ताल्लुक था। तो ये ब्लैक एरिया का ताल्लुक किसी एंटिटी से नहीं है जिसे हम निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। तो हमें जब ये चीज समझ आ जाती है तो हमें लगता है कि ग्लकोमा को, अगर आप जो क्वेश्चन है मैं फोकस करूं, तो मेरे ख्याल दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो मिस कर रहे हैं। नंबर वन ये मिस करते हैं कि हम प्रोबेबली कहीं ना कहीं अपने प्रोटोकॉल्स के अंदर ग्लकोमा की स्क्रीनिंग को मिस करते हैं। देखिए, ग्लकोमा को डायग्नोज करना उस कंडीशन में जब डैमेज हो चुका होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ग्लकोमा खुद बता देता है कि मैं ग्लकोमा हूँ, प्लीज मीट, आई एम देयर फॉर यू हियर, मैं बैठा हूँ। ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्लकोमा अभी बहुत दूर है और आपसे पकड़ ले। दिस इज स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स, यानी दुनिया का जो बंदा आपके पास आ जाए आपके लिए मैंडेटरी है कि उसकी ऑप्टिक डिस्क को जरूर देखें। ऑप्टिक डिस्क को देखना आपके लिए जरूरी, वाजिब है आपके। और अगर ऐसा कोई पेशेंट आ जाए जिसका आप इंट्राओकुलर प्रेशर चेक कर सकते हैं, लोग कहते हैं 40s में चेक करें, 30s में चेक करें, मैंने कहा जिस जो बंदा स्लिट लैम्प के ऊपर बैठ जा गर्दन रख सकता है, अगर आप पॉसिबल है तो प्लीज उसका इंट्राओकुलर प्रेशर चेक करें। ये दैट मस्ट बी पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल। दो चीजें मिस करना छोड़ दें हम, वी कैन कैच द ग्लकोमा। अच्छा, मजे की बात सुने आप, ग्लकोमा डायग्नोज हो गया जी, हो गया, ओके, यू आर स्टार्टिंग मेडिकेशन। अरे भाई, आपका टारगेट क्या है? आपका मकसद ये थोड़ा है कि आपने डायग्नोज कर लिया और आप लिख दें कि मैंने ग्लकोमा डायग्नोज कर लिया। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज दैट टू सेव द विजन ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट। आपने 30-35 साल में ग्लकोमा डायग्नोज कर लिया उसका, अगले 30-35 साल में उसको किसी भी विजुअल डिसएबिलिटी से बचाना आपकी जिम्मेदारी है बीइंग ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। तो डायग्नोज करके, ट्रीटमेंट शुरू करके, क्या आप उसको प्रॉपर मॉनिटर कर रहे हैं? Yes. कि जो आप डैमेज आपने पकड़ लिया है वो फर्दर डैमेज नहीं हो रहा। तो प्रोबेबली अगर आप देखेंगे इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट, हमारे बहुत से ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, स्पेशली आई एम डीलिंग विद साउथ पंजाब इंटीरियर सिंध लोगों से, वो मॉडर्न गैजेट्स को यूज नहीं कर रहे। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ग्लकोमा के डिस देख के ओसीटी कराने का, चाहे वो रेटिनल नर्व फाइबर थिकनेस के लिए हो, चाहे वो ऑप्टिक डिस्क की ज्योमेट्री के लिए हो, चाहे वो जीसीसी कॉम्प्लेक्स के लिए हो। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एक कंटिन्यूटी ऑफ दीज थिंग्स का, जिसे जीपीए कहते हैं। ये चार चीजें जहन में नक्श करनी चाहिए हमें यंग ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट के, कि बेटा पहले तो बात यह है कि आपने किसी मरीज को जो आपके ऑफिस में आ गया उसकी डिस्क देखे बगैर उसके बाहर निकले, जो आपके पास आ गया उसका इंट्राओकुलर प्रेशर मॉनिटर करें, उसको लिखें और उसको बताएं कि मैं आपका इंट्राओकुलर प्रेशर चेक कर रहा हूं, जब कभी आप दोबारा जाएं तो डॉक्टर से जरूर पूछें कि मेरी ऑप्टिक डिस्क कैसी है और मेरा इंट्राओकुलर प्रेशर कितना है। ये लोगों के ध्यान में डाल दें कि वो पूछा अपने डॉक्टर से, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट से, कि ये दो चीजें जरूर मुझे बता दें। और जब वो आपने डायग्नोज कर लिया या आप अभी डायग्नोज बना रहे हैं, तो प्लीज जस्ट ऑन योर ओन मेंटल मैप ऑफ डिस्क, योर ओन एक्सपीरियंस के मैं ऐसे ही ग्लकोमा होता है, आप दवाइयां शुरू ना करें, प्लीज उसको डायग्नोसिस कंफर्म भी करें मॉडर्न गैजेट्स के साथ। और अगर आपने कंफर्म कर लिया, यू हैव स्टार्टेड द मेडिकेशन, तो फिर हम उसको मॉनिटर करें। मेरे लिए डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए नजदीक है कि या तो मैं पहले से पकड़ लूँ उसको, स्क्रीन करूँ। अगर मैंने पकड़ लिया दरमियान में, तो प्लीज मेरी जिम्मेदारी है अगर 20-25-30-35 साल जितना भी पेशेंट मेरे से अटैच है, जितना अल्लाह ने उसे जिंदगी दी है, ग्लकोमा से उसकी विजुअल डैमेज नहीं होना चाहिए। तो मॉनिटरिंग विद कंटिन्यूअस विजुअल फील्ड्स, विद कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग विद ओसीटी एंड इट्स डिफरेंट पैरामीटर्स एंड जीपीए, जीपीए कैन बी अटैच्ड टू द विजुअल फील्ड्स एंड जीपीए कैन बी अटैच्ड टू द ओसीटी। ये दो पांच चीजें, दो चार चीजें इनको अटैच करना जरूरी है। अगर हम मिस ना करें तो मेरा ख्याल है शायद ग्लकोमा रोक तो नहीं सकते हम लोग। ग्लकोमा इज एन एंटिटी व्हिच कैन नॉट स्टॉप, लेकिन प्रोबेबली एक साइलेंट किलर को मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ और एक ब्लाइंडिंग डिजीज को मैं अपने हाथ से पकड़ रख सकता हूं और आखिर तक मरीज को दुनिया की रंगीनियों से इंशाल्लाह आशना रख सकता हूं, इंशाल्लाह। That was a very good answer, I would say, कि इतना eye-opening था sort of for the junior doctors as well. Since आपने हमसे इतना glaucoma के बारे में शेयर कर लिया है, I would like to know कि आप कोई ऐसा केस मुझे बताना चाहेंगे जो कि आप हमारे ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट और व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे, जो कि आपको लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंट है than usual cases. ओह, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखें, जो ग्लकोमा है, जब हम ग्लकोमा का जिक्र करते हैं ना, एक बात तो हमें भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, वो लार्जली टॉक अबाउट ओपन एंगल ग्लकोमास विच आर पेन फ्री लार्जली एंड साइलेंट किलर।
अच्छा, अब मेरे नजदीक दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने सीखी हैं। एक तो यह है कि हमारे माशरे के अंदर ओवर द काउंटर मेडिकेशन का रिवाज अभी भी खत्म नहीं हुआ। देखें, आप बैठी कराची में हैं, मुझे नहीं पता कराची में क्या होता, जहां मैं बैठा हूं वहां पे बहुत से लोग अभी भी जीपी से दवाई लेते हैं, अभी भी जाके मेडिकल स्टोर से दवाई लेते हैं, आंख लाल होगी दवाई दे दें उस दवाई देते हैं। देयर इज अ ह्यूज यूज ऑफ ओवर द काउंटर स्टेरॉइड्स और वो ग्लूकोमा हमें फेस करना पड़ता है। पीपल आर एलर्जिक, हमारे यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है कि ये जो हम पढ़ते हैं किताबों में मास सेल स्टेबलाइजर और छोटी छोटी दवाइयाँ, ये यहाँ काम नहीं करती। यहाँ तो आपको स्टीरॉयड डालती हैं तो आप ठीक होते हैं। हमारे यहाँ पेशेंट को एक दफा ऑपरेशन कर दिया, उसको स्टीरॉयड दे दिया, फिर भूल जाते हैं बताना कि भाई तुम्हें दोबारा दिखाना है, और मरीज तीन तीन महीने चार चार महीने स्टीरॉयड यूज करते रहे। देयर आर सो मेनी थिंग्स आई कैन एक्सप्लेन, तो स्टीरॉयड का यूज बहुत ज्यादा है। मैं अपने ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट को बताना चाह रहा हूँ कि आपने स्टीरॉयड इज अ ड्रग व्हिच लीड्स टू ग्लूकोमा इन 8% ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। 8% लोग ग्लूकोमा करता है, ठीक है, लेकिन जिन लोगों को ग्लूकोमा करता है उनको फिर ग्लूकोमा ही करता है, उनको रोकना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। यूजली ओवर द काउंटर वाले पेशेंट यंग होते हैं, एलर्जीज वाले पेशेंट यंग होते हैं, उनको ग्लूकोमा होता है, उस ग्लूकोमा को अगले 60 साल 70 साल तक ब्लाइंडनेस से बचाना इज अ बिग चैलेंज। तो मेरा ख्याल है कि ये जो केसेस मेरे पास आते हैं स्टीरॉइड इंड्यूस्ड ग्लूकोमा के, ये अलार्मिंग है मेरे लिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी को स्टीरॉयड शुरू करने हैं या कोई स्टीरॉयड लेता है तो उसको चाहिए कि उसके स्टीरॉयड रिस्पॉन्डर को इवेल्यूएट करना जरूरी, बहुत जरूरी है। हम खुद भी स्टीरॉयड शुरू करते हैं तो प्लीज आप जरूर देखिएगा कोई रिस्पॉन्डर तो नहीं है। बड़ी सिंपल टेक्निक है, आप उसको कोई भी प्रेडनिसोलोन एसीटेट शुरू कर दें 4 times a day, उसको मॉनिटर कर लें, बेसलाइन आईयूपी ले लें उसका, मॉनिटर करें और ओवर द 4 weeks मॉनिटर करें। इफ दैट प्रेशर व्हिच वाज बेसलाइन गोस ओवर एंड अबव 8 millimeter ऑफ मर्करी, ही इज प्रोबेबली रिस्पोंडेड टू स्टीरॉइड्स, ठीक है। और मैं आपको बताऊं जो मेरे एक्सपीरियंस में है, मेरी बड़ी रूटीन है करने की, जो रिस्पोंडर होते हैं वो पहले 7-8 दिन के अंदर रिस्पोंड कर जाते हैं। उनका प्रेशर आपने बेसलाइन 14 लिया तो अचानक 20 से ऊपर चला जाएगा। उससे पहले प्लीज उसका ये चेक कर लें कि स्टीरॉयड रिस्पोंडर नहीं है। अगर रिस्पोंडर है तो उसके बाद उस ना उस कैनाकॉर्ड के इंजेक्शन को आप निकाल सकते हैं वहां से, ग्लूकोमा को रोक नहीं सकते। 6 महीने में वो पेशेंट एलर्जी शायद उसकी ठीक हो जाए, उसका शायद यूवेटिस ठीक हो जाए, लेकिन ग्लूकोमा से वो ब्लाइंड हो जाएगा। और एलर्जीज और ग्लूकोमा ब्लाइंड नहीं करते, दे मेक यू हैंडीकैप बट ग्लूकोमा मेक्स यू ब्लाइंड। एक तो हमेशा स्टीरॉयड के पेशेंट मुझे बड़े तंग करते हैं और मैं बड़े कंपेन चलाता हूँ कि स्टीरॉयड रिस्पोंडर को प्लीज आइडेंटिफाई करना, उनको समझाना बड़ा जरूरी है। दूसरा, बड़े कॉमन है हेडेक्स हमारे यहाँ। हाँ, दूसरे बच्चों को सर में दर्द है, वो लैपटॉप देखता है, वो व्हाट्सएप पे बैठा हुआ है, वीडियो की देख रहा है, हर दूसरे बंदे को सर में दर्द है। जो दर्द से हमारे पास पेशेंट आते हैं, विजन ठीक होती है, तो हमें बड़ी आदत पड़ गई है देने की टोपारामेट। टोपारामेट एक ड्रग है जिससे मेरे पास कोई इतने सारे पेशेंट आए, दे कॉज एक्यूट ग्लूकोमा। उनकी आपको कैटरेक्ट सर्जरी करनी पड़ती है, एसी शेल हो जाते हैं, उनकी ट्रैप करनी पड़ती है, फिर भी उनके टेढ़े मेढ़े पीपल, हिला हुला लेंस, चिट्टा सफेद कॉर्निया हमें हमारा मुंह चढ़ाता रहता है। तो दो चीजें ऐसी हैं जो ग्लूकोमा करती हैं और उनको बारे में इतना लिटरेचर भी खामोश है, हमारी कंपेन्स भी खामोश हैं, हमारे डॉक्टर्स भी खामोश हैं, हमारे कहीं बात भी नहीं होती कि यूज ऑफ स्टीरॉयड्स नंबर वन एंड यूज ऑफ टोपायरामेट। टोपायरामेट 25 milligram की दो गोली आती है, हेडेक के लिए सुबह शाम लोग देते हैं, एंड दे एंड अप विद एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा बोथ आईज, और लोग विजन लॉस कर जाते हैं, उनको समझ हुआ क्या बैठे बैठे उनको। तो ये दो ऐसे एरियाज हैं जिन पे बड़ी कंसर्न शो करता हूं मैं। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई थिंक इससे हमारी नॉलेज में इजाफा ही हुआ है। आपने ये दो चीजें एडवाइस के तौर पे ही हमें सजेस्ट की हैं, लेकिन इज देयर फ्यूचर में कोई ऐसी चीज जो आप अपने जूनियर ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट को बताना चाहते हैं एज एन एडवाइस के ग्लूकोमा मैनेजमेंट में ये चीज जो है वो आपको स्पेसिफिकली अपने माइंड में रखनी चाहिए? देखिये, मेरा एक तो बड़ा कॉन्सेप्ट है,
if you keep on looking normal, you can pick up the abnormal very, very easily. अगर मेरे जूनियर ऑप्थल्मोलॉजिस्ट ग्लूकोमा के स्पेसिफिकली बात करना चाह रहा हूँ जी, ऑफ कोर्स, अगर उनको ये चीजें समझ आ जाए कि हमने ऑप्टिक डिस्क को रेगुलरली देखना है और ये देखना है कि कौन सी नॉर्मल है और कौन सी सस्पिशियस है. देखिए जो ग्लूकोमा वाली डिस्क पैथोलॉजिकल होती हैं वो नजर आ जाती है, सस्पिशियस पे बड़ा काम पड़ता है. और सिमिलरली एक वर्ड है, ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है, फिजियोलॉजिकल कपिंग होती है. दुनिया के अंदर तकरीबन 95% लोगों की कपिंग लेस देन 0.4 होती है, 40% से कम कप होता है. लेकिन देयर आर सर्टेन पीपल लेस देन 5% जिनका कप 4% से ज्यादा, उससे ज्यादा होता है, 40% से ज्यादा होता है. और दुनिया में 0.2% लोग ऐसे भी हैं जिनका कप 90% होता है. ये स्टैटिस्टिक्स हैं किसी एक स्टडीज की, बट इट कैन वेरी. हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे जूनियर्स को जो ट्रेनिंग है उसके अंदर हम उनको ग्लूकोमा डायग्नोसिस का तो बता देते हैं कि जी प्रेशर रेज होगा, डिस्क कपिंग होगी, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि डिस्क कपिंग को देखने के क्या पैरामीटर होते हैं. दे शुड गेट देमसेल्फ ट्रेन फॉर दैट. कपिंग को देखना एक आर्ट है. उस कपिंग के अंदर देखना मार्जिन्स कैसे हैं, स्लोपी डिस्क कितनी है, पैलर में और कपिंग का डिफरेंस करना क्या है. तो अगर मेरे जूनियर ऑप्थल्मोलॉजिस्ट सुन रहे हैं तो उनको इसको बड़ी सैर हासिल गुफ्तगु करनी चाहिए और बार बार नॉर्मल कप देखना चाहिए और नॉर्मल कप के बाद उनको नॉर्मल पकड़ना आ जाएगा. दूसरा, हमारे यहाँ एक रेजिस्टेंस है कि अगर हमें कप नॉर्मल मिल गया हम आईओपी चेक नहीं करते. ये है, और डॉक्टर नॉर्मल कप है, आईओपी क्या चेक करना. लेकिन मेरा ख्याल है दीज टू थिंग मस्ट सेग्रीगेटेड. कप नॉर्मल है या नॉर्मल है, यू शुड चेक द आईओपी. मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं उनका बिल्कुल कप्स नॉर्मल होते हैं, डिस्क बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन उनका आईओपी इतना ज्यादा होता है और वो मैनिटॉल से हम कंट्रोल कर रहे होते हैं. दे आर नोन एज ऑकुलर हाइपरटेंसिव. अल्टीमेटली ऑकुलर हाइपरटेंसिव ने कन्वर्ट होना होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर. हम आईओपी चेक ही नहीं करते और वो डैमेजिंग जब हो जाता है काफी अरसे के बाद फिर चेक करते हैं. तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं किसी को मशवरा दूं तो वही जो पहले वाला सवाल का आंसर था कि उनके उनका जो प्रोटोकॉल है इतना स्ट्रांग होना चाहिए, ऑप्थल्मिक एग्जामिनेशन प्रोटोकॉल, जिसके अंदर ग्लूकोमा की स्क्रीनिंग के एलिमेंट मिस ना हो, जिसमें डिस्क की कपिंग को और इंट्राकुलर प्रेशर को एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंस होनी चाहिए. और फिर हमारे यहाँ जो ग्लूकोमास हैं जिन्हें हम सेकेंडरी ग्लूकोमास कहते हैं, हम जब एग्जामिन करते हैं उनका प्रोटोकॉल, देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट ग्लूकोमास जिनके एविडेंस हमें कॉर्निया से, इंटीरियर चेंबर से, आयरिस से, इवन लेंस से मिलना शुरू हो जाता है, तो उनके भी नजर रखनी चाहिए. और एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया जो हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है उसे कहते हैं ग्लूकोमा कैप्सुलेयर, जो कि सूडो एक्सुलेशन से रिलेटेड है. हमें वो कैटरेक्ट नजर आ जाता है, कैटरेक्ट हम सर्जरी कर देते हैं, वी डोंट बॉदर द ग्लूकोमा. And the people with pseudo exfoliation have 40% people have glaucoma. वो patient आपको phone करता है 6 महीने के बाद, डॉक्टर साहब मेरी नजर अचानक कम हो गई है. आप ये सोचते हैं मैंने cataract surgery की है, uneventful की है, probably इसका पुष्टि capsule thick हो गया हुआ है. Okay, come on, I'll yag your capsule and you'll be okay. But once he arrives, he has full cup disc because of glaucoma capsular. So you miss it. तो please जो लोग cataract surgery करते हैं और उनको पता है, ये सारा पता बच्चों हमारे बच्चों को है, कैटरेक्ट सर्जरी में अगर आपको सूडो एक्सफोलिएशन आ गई, इसका प्यूपल डायलेट नहीं होता, इसके लेंस में सबलक्सेशन होती है, इसमें फेको के पैरामीटर्स ये रखने हैं, इंसीजन के पैरामीटर्स ये रखने हैं, फ्लो के पैरामीटर्स ये रखने हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता, वंस यू हैव डन फिनिश विद द कैटरेक्ट सर्जरी, प्लीज प्लीज उसके डिस्क जरूर देख के भेजें. पहले अगर आप नहीं देख पा रहे बिकॉज ऑफ द हार्ट कैटरेक्ट, बिकॉज ऑफ द डेंस कैटरेक्ट, बाद में देखें उसको, मॉनिटर करें, बिकॉज इनमें से 40-50% एंड अप विद ग्लूकोमा व्हिच इज नॉट ग्लूकोमा कैप्सुलेयर, और वो ब्लाइंड हो जाते हैं. तो ये एक एरिया जिसपे फोकस करना चाहिए हमारे बच्चों को, कि वो तमाम एरियाज जो ग्लूकोमा से लेबल करते हैं उनको फोकस करना चाहिए. और हमारे बच्चे इक्विपमेंट जो मॉडर्न गैजेट्स हैं वो अब जो आजकल ट्रेंड चल रहा है जी. मैं उनसे दोबारा कहूंगा, देखें आज का ट्रेंड ये चल रहा है कि अगर आपने ओसीटी करा लिया है तो हमने वो सिर्फ कलर डिस्प्ले देखना है कि वो जो लाइन है वो ग्रीन पे है, रेड पे है, येलो पे है, ठीक है. या हमने अगर फील्ड देखना, हम देखना कितने डॉट काले रंग के हैं. भाई ये तो एक आम अल्लाह बख्श भी देख रहा है, ये तो एक आम माहीगीर भी देख रहा है, ये तो रिक्शा ड्राइवर भी देख, उसको पता चल जाता है. तो आपको तो पैरामीटर्स देखने हैं, देयर सो मेनी पैरामीटर्स, देयर सो मेनी रूल्स टू अप्लाई, ठीक है. आपके रेड लाइन आपके अपर लोअर पोल्स के ऊपर से क्रॉस कर रही है या साइडों से क्रॉस कर रही है, आपको देखना है उसका पैटर्न क्या बन रहा है, उसके क्लॉक आवर्स में पैटर्न क्या बन रहा है,
फिर उसका अगर आपने एक एक करा लिया हुआ है 3 महीने के बाद या 6 महीने दूसरा कराया, उसमें कुछ चेंज आई कि नहीं आई, पता चला कि इस वक्त डैमेज जो एक क्लॉक आवर पे था अगली दफा और किसी और क्लॉक आवर पे है, तो भाई दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये डैमेज अचानक शिफ्ट क्यों हो गया, क्योंकि हमने सोफा सेट थोड़ा है कि कल को हमने रखा हुआ दीवार, कल हमने उस दीवार से रख दिया। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी, हमारे गैजेट्स का इस्तेमाल भी ऐसा हो गया हुआ है कि हम सिर्फ वो चीज़ें देखते हैं जो एक लेमैन देखता है, हम एक पढ़ी लिखी बात नहीं करते विजुअल फील्ड्स के ऊपर, ओसीटी फाइंडिंग्स के ऑफ़ और जीपीए के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि मेरे ट्रेनिंग ऑप्थल्मोलॉजिस्ट को एक तो ऐसे प्रोटोकॉल बनाने चाहिए जिसके अंदर कोई भी एरिया, जो छोड़ें ग्लॉकोमा को, कोई भी एक भी एरिया मिस ना हो, और क्योंकि विजन इज व्हाट ऑप्थल्मोलॉजी इज ऑल अबाउट। ठीक है, आपका ताल्लुक विजन के साथ है, आपके जिम्मे ये काम नहीं है कि आप पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी विजन कम हो गई है, तो आपके लिए जरूरी है कि विजन फाइंड करें कि क्यों कम हो गई है, आप तो वाजिब हो गया। लेकिन देयर सर्टेन पेशेंट हु कम्स के मेरे डॉक्टर साहब मेरी आंख में लाल हो गई है, मेरे आंख में पानी आ रहा है, विजन बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन भाई आपकी जिम्मेदारी है कि बाकी प्रॉब्लम ठीक करें, लेकिन वो चीज भी देखें जो फ्यूचर में विजन अफेक्ट कर सकती है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस वक्त देखना डायबिटिक पेशेंट का डायबिटिक रेटिनोपैथी देखना, या किसी की डिस देखना, या आईयूपी चेक करना, या ग्लॉकोमा देखना, या वो सूडो एक्सक्लूशन देखना, पिगमेंट डिस्पर्शन देखना, शैलो ईसी देखना, गोनियोस्कोपी करना। गोनियोस्कोपी का फील्ड तो वैसे हमने खत्म कर दिया हुआ है, नॉन टेस्ट टेक्निक पे चले गए हम लोग। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो तो मिस कर रहे हैं, उसमें गोनियोस्कोपी याद आ गई, गोनियोस्कोपी हम करना छोड़ गए। तो मेरा आपके आपके स्ट्रेटजीज के अंदर एक दैट शुड बी कम्प्लीट थॉरो एग्जामिनेशन, और नंबर टू मॉडर्न गैजेट्स को रीड करें, उनको अंडरस्टैंड करें, उनको लर्न करें, एंड द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज टीचिंग। आपने कुछ समझी है उसको पढ़ाना शुरू कर दे जूनियर्स को, फर्दर जूनियर्स को, एंड यू विल लर्न बेटर। तो फिर आपके पास है, आप में और एक आम आदमी फर्क होना चाहिए लुकिंग एट द डिस्प्लेज ऑफ द ओसीटीज एंड विजुअल फील्ड्स। यस लवली, एक्चुअली इससे ये है कि पेशेंट्स को बेसिकली टाइम ज्यादा दें और जल्दबाजी में आप डिसीजन मेकिंग ना करें। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द गैजेट्स एंड जो टेक्नोलॉजी है, बट लेट्स टॉक अबाउट के आपका प्रेफरेंशियल जो है ट्रीटमेंट, ऑफ कोर्स ओपन एंगल ग्लॉकोमा को भी आप कर सकते हैं, या आप अपनी मर्जी से बता सकते हैं कि आपका प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है वो मेडिकेशन के टर्म्स में, नॉट द गैजेट्स और द सर्जरी, बट मेडिकेशन के उसमें टर्म्स में जो है वो क्या है आपका प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट पेशेंट को आप ट्रीट करते हैं। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहा दुनिया के अंदर, बात ये है कि आपने कौन सी मेडिकेशन सिलेक्ट करनी है। ये डिपेंड करेगा कि आपका बेस लाइन या उस दिन आईओपी कितना मिला आपको, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, आपका डैमेज कितना हुआ है, और आपने उस डैमेज के हिसाब से अपना टारगेट आईओपी सेट करना है। ठीक है, अगर आपका डैमेज अभी शुरू हुआ है ग्लकोमा, प्रॉब्ली यू कैन सेट इन हाई टीन्स। आपका ऑलरेडी डैमेज 70% हो गया है, यू हैव टू गो डाउन बिलो लो टीन्स। Yes. आपने देखना है कि आप यू आर स्टार्टिंग विद द प्रेशर एट 26 एंड यू आर एमिंग टू हैव इट 12, तो आपने नीचे कितना लेके आना है, 14। yes. इस पे डिपेंड कर रहा होगा। मैंने बड़ी बातें सुनी हैं कि जी मोनोथेरेपी और डुअल थेरेपी और ट्रिपल थेरेपी, ये बातें इंपॉर्टेंट हैं। अगर मुझे एक दवाई स्टार्ट करनी है, ये दो दवाइयां स्टार्ट करनी है, ये तीन दवाई स्टार्ट करनी है, ये डिपेंड करता है कि मेरे पास प्रेशर कितना है इस वक्त मौजूदा, और मेरा टारगेट इंट्राक्यूलर प्रेशर कितना है। yes. वो पहले, जब तक गोल सेटिंग के बगैर एक्शन प्लान नहीं हो सकता। yes. तो मैं तो अपनी सेटिंग ऐसे करता हूँ कि मेरा कितना मैंने काम करना है, उसके मुताबिक, इवन इफ आई हैव टू स्टार्ट सो मेनी मेडिकेशन ऑन अ सिंगल डे, आई स्टार्ट इट। क्योंकि मेरा, मैं ये नहीं सोच सकता कि एक एक पांव में कांटा चुभा हुआ है, मैं कहता हूँ आज मैं थोड़ा सा निकाल देता हूँ, थोड़ा सा कल निकालूंगा, मैं ऐसा नहीं करता, मैं तो सारा निकाल देता हूँ। क्योंकि ग्लकोमा का इंट्राकुलर प्रेशर का एक विशेष सर्कल होता है जो मैंने अब तक फाइंड किया। अगर आप उसको इमीडिएटली लेके आते तो डैमेज तो हो रहा है। आप ये क्यों कहते हैं कि अगर एक प्रेशर 26 पे खड़ा हुआ है और आप उसको कल लेके आएंगे 24 पे, फिर 23 पे, अल्लाह के बंदे आपके सर पे एक मैंने बोरी ला दी हुई है चीनी की, ठीक है, और आपके उसमें सुराख हो गया और वो चीनी नीचे गिर रही है आपकी बोरी में से। मैं आपसे कहूं कि अरीबा आपकी ये चीनी की बोरी में से चीनी जाये हो रही है, इसको जरा बोरी को सुराख को सी दो, तुम कोई आधा सी दो तो आधा कल सीऊंगी, तो तुम तो यू आर लूजिंग डे बाई डे, तो आपको इमीडिएटली सारा सीना पड़ेगा। yes. तो व्हाई डोंट यू गेट, आप आईओपी को टारगेट करें कि मैंने इतना लेके आऊंगा जो आपके जहन, देखें मेरे पास नहीं पता कि मॉनिटर करना बाद में करना पड़ेगा,
मैं एक असेस करता हूं कि टारगेट आईयूपी 40% नीचे करना, मैंने हम जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन देंगे आप एम करें कि आप किसका 40% कहां होगा। ये एक दवाई से आएगा, दो से आएगा, तीन से आएगा, चार से आएगा, पांच से आएगा, दस से आएगा, इट डजंट मैटर। यू हैव टू ब्रिंग दैट आईयूपी डाउन टू दैट लेवल, उसके बाद आप देखें कि उसको मॉनिटर करते रहे कि किन दवाई पे सेटल कर सकते। मेरा ट्रीटमेंट प्लान हमेशा ऐसा होता है कि मैं टारगेट आईयूपी अचीव करता हूं, फिर मैं उसको मेंटेन करता हूं, अगर मुझे दवाइयां ऐड करनी पड़े ऐड करता हूं, डिलीट करनी पड़े डिलीट करता हूं, ठीक है। लेकिन पता नहीं मुझे दुनिया कहती है मोनोथेरेपी आप करें प्रोस्टाग्रिन एनालॉग के साथ, दुनिया कहती है। देखें मैं आई एम कस्टमाइज्ड पर्सन, तो मेरा जो फ्रंट लाइन थेरेपी अब तक रही मेरी रही है तो वो हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ डोरज़ोलामाइड एंड टिमोलोल रही है, जो पीछे कोडोर्ज़ोल आपका लिखा भी हुआ। तो कोडोर्ज़ोल दिस इज द ड्रग व्हिच आई यूज प्रेफरेंशियली फॉर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, क्योंकि मुझे आज तक ऐसा पेशेंट नहीं मिला जिसकी मुझे कोई 20-30% प्रेशर से ज्यादा कम करना पड़ता हो। अगर आप क्लेम करते हैं कि जी मोनोथेरेपी ब्रिंग्स डाउन 25% 30%, प्रॉब्ली कॉम्बिनेशन भी इतनी लेके आता है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बेशक फ्रीक्वेंसी में दो दफा डालना पड़ता है, लेकिन मरीज को कम से कम आंख लाल नहीं होती। मुझे इतना पता है कि ग्लूकोमा पेशेंट को होल्ड करना मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर। आप आज ग्लूकोमा को पेशेंट को डायग्नोज करें, ये मेरी बात याद रखिए, जूनियर एस्थमोलॉजी सुन लें, और उसके साथ प्रॉपर बॉन्डिंग डेवलप ना करें, उसको प्रॉपर काउंसिल ना करें, उसको आपकी बातों पे कॉन्फिडेंस ना आए, वो आपकी बातों से कंफर्टेबल ना हो, वो उसको आपकी बातों में एक एक कॉम्पिटेंसी नजर ना आए, तो वो फौरन भाग के दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा। ऐसे मरीज को अगर आप ऐसी दवाई दे दें जो आंख लाल कर दे, फिर तो जनरली उसके पास जाएगा। और वो पेशेंट आप अगर, मेरा ख्याल ये होता है कि यार मैंने डायग्नोज किया है, अगर मैं इतना सेंसिटिव आदमी हूँ, अगर मेरे से अटैच होगा तो आई विल सेव हिम फ्रॉम ब्लाइंडिंग, मे बी ऐसे बंदे पर चला जाए जो इतना कंसर्न ना हो, ठीक है। तो मैं ऐसी दवाई स्टार्ट करता हूँ कि मेरी बॉन्डिंग आंख लाल नहीं होगी, कोडोर्ज़ोल से आंख लाल नहीं होगी, प्रेशर अचीव हो जाएगा। जब मेरे से बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी और वो मेरा मरीज की बजाय मेरा मुरीद बन जाएगा, फिर उसे कहूंगा ना आंख मिर्चे डाल लो, मिर्चे में डाल लेगा, फिर मेरे आंख की दी ट्रेवो प्रास उसको उसकी ट्रेवो प्रास से आंख लाल को बर्दाश्त कर लेगा, कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब ने कही है आंख लाल, कोई बात नहीं। लेकिन बॉन्डिंग से पहले मेरे लिए इस माहौल में गाइडलाइंस जो मर्जी कहती हैं, बॉन्डिंग से पहले एक रैपो बिल्ड करने से पहले मेरे लिए किसी पेशेंट को प्रोस्टाग्रैंडिन एनालॉग स्टार्ट करना अभी तक मेरे लिए फिजिबल नहीं रहा, और ना मैं करता हूँ, ना मैं कर सकता हूँ, ना मैं करना चाहता हूँ। आई स्टार्ट विद द कोडोर्ज़ोल कॉम्बिनेशन ऑफ डोरज़ोलामाइड एंड टिमोलोल, और जब पेशेंट सेटल हो जाता है, मेरे पास आ जाता है और मैं समझता हूँ कि नाउ ही इज माई मुरीद, ग्लूकोमा के मरीजों को, डायबिटिक रेटिनोपैथी के मरीजों को, यूवेटिस कोरोडाइटिस के मरीजों को आपको मरीज बनाना पड़ता है, फिर वो बचते हैं। अगर आप उनको मरीज बना के रखते हैं, वो जगह जगह जाके वो जगह दिखाते हैं, अल्टीमेटली उनकी फाइल इतनी मोटी हो जाती है और आंख का विजन इतनी कम स्लिम रह जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जब ऐसे मरीज देखें उसके साथ इतनी काउंसलिंग करें उसके, आपका मरीज बन जाए और आप अपने दिलो जान से खिदमत करें, उसकी विजन बचाएं। और ये नहीं होता कि मरीज बढ़ाने, मरीज है कि उस मरीज खिदमत करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे अगर एक स्किल दिया है तो मैं विजन सेव करने का अल्लाह ने स्किल दे दिया तो उसे यूज करना चाहिए, बगैर इसके देखे कि वो कौन है। वो ह्यूमन बींग्स हैं, वो इंसान एनिमल्स नहीं है, उनको काउंसिल करना पड़ता है। बैड काउंसलिंग टू अ ग्लूकोमा पेशेंट, बैड काउंसलिंग टू अ पेशेंट विद डायबिटिक रेटिनोपैथी, यू आर ऑलवेज लूजिंग दैट पेशेंट। और जब पेशेंट आप लूज करते हैं, फिर वो एक ओपिनियन के बाद दूसरा ओपिनियन, दूसरा ओपिनियन आपसे डिफर कर गया, तीसरा ओपिनियन, फिर मरीज की फाइल बढ़ती चली जाती है और विजन स्लिम होती चली जाती है। तो मेरा ख्याल ये है कि जो आपने मुझसे बात पूछी थी उसकी आंसर यही मैं देना चाहूंगा कि आप दवाई हमेशा कस्टमाइज शुरू करें और कोशिश शुरू करें कि हमेशा कॉम्बिनेशन स्टार्ट करें कोडोर्ज़ोल के, उसके बाद जब मरीज बन जाए आपका, फिर आप जो मर्जी लेटानोप्रास शुरू करें या ज़ेलाटॉन शुरू करें, व्हाटएवर, आंख लाली को बर्दाश्त कर लेगा वो, लेकिन शुरू में बर्दाश्त नहीं करेगा। किस तरह से आप लेकर चलते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि पेशेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड करना इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। एंड एज अ जनरल पब्लिक की तरह अगर मैं बात करूँ, बिकॉज आई एम नॉट एन ऑप्थल्मोलॉजिस्ट myself, तो मुझे भी यही फील होता है कि अगर जेन्युइन डॉक्टर आपको मिलता है तो आप उससे, यू स्टिक टू दैट डॉक्टर। ट्रेनीज के लिए और यंग ऑप्थल्मोलॉजिस्ट के लिए कोई टेक होम मैसेज, जो फाइनल आपका एक मैसेज होगा वो आप बता दें। देखें ये मैसेज जो है ये सिर्फ ऑप्थल्मोलॉजिस्ट के लिए नहीं है, ये तमाम डॉक्टर्स के लिए है।
कि हमारी पेशेंट हमारी अप्रोच पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए, सिंपल। हमारा काम पेशेंट की वेलफेयर होना चाहिए, पेशेंट को कंफर्टेबल करना, पेशेंट के साथ रेपो बिल्ड करना, पेशेंट के लिए एक्टिव लिसनर बनना। Yes. आपको पता है कि डिजीज और इलनेस में क्या फर्क है? डिजीज पैथोलॉजी है, डिजीज पैथोलॉजी है। प्रेशर बढ़ गया है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, आंख लाल हो गई है, इलनेस साइकोलॉजी है। हमारा जो कंसर्न, अगर पेशेंट सेंटर्ड होगा, मुश्ताक यूसी ने कहा था कि मुझे इस चीज से बिल्कुल गुस्सा नहीं आता कि लोग क्वैक्स के पास जाते हैं, गुस्सा इस बात पे आता है कि वो ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि क्वैक्स आपकी साइकोलॉजी को हिट करते हैं। आप अगर पेशेंट के साथ रेपो बिल्ड करके, उसको कंफर्टेबल करके, उसकी बात सुन लें, लिसनिंग टू अ पेशेंट इज हाफ ट्रीटमेंट। मेरा बिल्कुल फोकस्ड एक देखो मैसेज है अपने तमाम डॉक्टर्स की दुनिया के, प्लीज अपनी अप्रोच को पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच करें, प्लीज मरीज को सुने, उसको कंफर्टेबल करें, उसको इजी करें, और अपनी रेपो बिल्ड करें। जब रेपो बिल्ड होती है, पेशेंट ट्रस्ट करता है, तो उसके ट्रस्ट को अल्लाह ताला कभी भी लौटाता नहीं है। अल्लाह ताला आपके हाथ में शफा दे देता है। आप एक पेशेंट आपके पास आता है, डॉक्टर साहब आपने आंख में दाल डालने की दवाई दी थी, मैं ठीक हो गई हूँ, मेरे कान में भी दर्द है। तो मैंने कहा बीबी मैं तो कान का डॉक्टर नहीं हूँ, उससे पूछो। कहते आप दवाई लिख दे, मुझे पता है मैं वो डालूंगी, मैं वो भी ठीक हो जाएगा। ये जो पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच है आपको यहाँ ले जाती है। फिर आपके हाथ में शफा, अल्लाह ताला जो शफा होती है वो इसका नाम नहीं है कि कोडोरदा से शफा मिल रही है, शफा मिल रही है आपके तमाम बिहेवियर के साथ। अल्लाह ताला आपके हाथ में शफा देता है। यही कोडोरदाल मैं डालता हूँ, किसी को प्रेशर कम नहीं होता, ये कोडोरदाल आप डालेंगी, प्रेशर 10 से नीचे 2 पे आ जाएगा, तो ये शफा इसका नाम का है। इस जो पैरेलल मैकेनिज्म है, इसको भी समझना चाहिए हमारे डॉक्टर्स को, और पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच पे होना चाहिए। पेशेंट उनका सबसे बड़ा चैलेंज होना चाहिए कि उसको हमने कंफर्टेबल करना। टेक्निकल मैसेज नहीं है, इट्स जस्ट के हार्ट टू हार्ट आपको पेशेंट से अपना जो है रैपोर्ट बिल्ड करना चाहिए, एंड इट्स लवली टू नो दिस। सो थैंक यू सो मच प्रोफेसर राव, आपने बहुत अच्छा सेशन किया, एंड इट वाज वेरी इजी एंड टू अंडरस्टैंड, और मेरे लिए समझने के लिए बहुत इजी था। तो थैंक यू सो मच, आपका एक्सपीरियंस इज सो वैल्यूएबल फॉर मी, एंड आई एम श्योर द जूनियर ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट एज वेल एंड योर पीयर्स एज वेल। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर एक्सपर्टीज, it has been lovely and it has been my honor that you gave us time for this session. So lastly bas main sabko Allah Hafiz karna chahungi, and I hope you guys enjoy the session. Allah Hafiz. Allah Hafiz, take care. You too, take care.